हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं नितिन वाघ। मेरे धंधाई ट्रैक्टर गैरेज इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे इस गैरेज पर 5204 ए जॉन डियर मॉडल हाइड्रोलिक हल जोड़ने के लिए आया हुआ है। तो हमारे दोस्त श्रीमान भैयाजी खलाने ये ट्रैक्टर लेके हमारे इस गैरेज पर आए हुए हैं। आमतौर पर अब तक आपने बहुत बार देखा होगा कि हाइड्रोलिक हल को जोड़ने के लिए ट्रैक्टर के मडगार्ड में एक बहुत बड़ी किट लगानी पड़ती है। अब कंपनी ने इसमें चेंज करके इस नए टाइप में हाइड्रोलिक हल के लिए किट बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये किट ट्रैक्टर में किस तरह फिटिंग करते हैं ये दिखाता हूँ। आप वीडियो में देख सकते हो कि विस्पी मशीनरी से मंगवाया हुआ ये भूमि एग्रो हल हम अब फिट करेंगे। ऑलरेडी अब हमने इसमें हल्का ये प्रेशर पंप फिटिंग कर लिया है। बस हमें अब ये किट और उसकी सभी एक्सेसरीज इस जॉन डियर ट्रैक्टर में फिटिंग करनी होगी। हाइड्रोलिक हल्का ये किट फिट करने के लिए हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर से 8 mm के 3 एलंकी बोल्ट खोलकर ये ट्रिंगलर प्लेट खोलनी होगी। ये 3 बोल्ट खोलकर हम यहाँ पर ये नया सिस्टम में बना हुआ किट फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो हमें 8 नंबर के ये 3 बोल्ट एलंकी रेंज से खोलकर ये प्लेट बाहर निकालनी होगी। खोलते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्लेट खोलते समय यहाँ से कोई भी चीज नीचे नहीं गिरनी चाहिए। आप देख सकते हो हमने तीनों एलंकी बोल्ट अब खोल लिए हैं। अब धीरे धीरे इस प्लेट को हम बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हो हमने इस प्लेट को अब बाहर निकाल लिया है। अब इस प्लेट के साथ हमें इस जगह पर ये नए सिस्टम में आया हुआ किट फिटिंग करना है। तो अब हमें इस नए किट से ये सेफ्टी पैक निकालना होगा। इस साइड से हम इस किट को हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर की तरफ से जोड़ेंगे और किट के बाहर साइड से हमें ये खुली हुई प्लेट इस तरह फिटिंग करनी होगी। अब जब हमने इस प्लेट को खोला तब 8 mm के ये 2 इंची बोल्ट थे। अब यहाँ पे हमें इस टाइप में बड़े बोल्ट फिटिंग करने होंगे। अब आप देख सकते हो बोल्ट की साइज अब चेंज होने वाली है। जैसे हमने इस साइड से सेफ्टी पैक निकाला, उसी तरह इस साइड से हमें ये कवर निकालना होगा ताकि हम ये प्लेट यहाँ पर फिटिंग कर सके। हमें ये स्प्रिंग पर ध्यान देना होगा।
इस प्लेट को हम हल्का सा एनाबॉन ट्यूब लगा लेते हैं ताकि कहीं से भी ऑयल लीकेज ना हो। ऑलरेडी कंपनी इस टाइप में रबरिंग का इस्तेमाल करती है, पर सेफ्टी के लिए हमें एनाबॉन लगाना अच्छा होता है। स्प्रिंग की जगह पर हम इस तरह ये प्लेट अब लगाएंगे, देखो इस तरह, और ऊपर से हमें ये लंबे बोल्ट इस तरह इस किट में डालने होंगे। आप देख सकते हो किस तरह हमने ये बोल्ट अब लगा लिए हैं। अब इन तीनों बोल्ट के साथ हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर में ये किट इस तरह फिट करना होगा। अब आप देख सकते हो हमने इस किट को इस साइड से भी एनाबॉन्ड लगा लिया है। चलिए अब इस हाइड्रोलिक किट को हम ट्रैक्टर के लिफ्ट कवर में 8 mm के इन तीन बोल्टों में फिटिंग करते हैं। 8 mm के ये लिंक की रेंज से हम ये तीनों बोल्ट अब फिट करेंगे। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे तंदई ट्रैक्टर गैरेज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक के वीडियो लाते रहते हैं। किट के बोल्ट फिटिंग होने के बाद अब हमें इन दोनों पाइपों में ये फीमेल सेक्शन फिट करना होगा। आप देख सकते हो हमने किस तरह ये फीमेल सेक्शन इन दोनों पाइप में अब फिटिंग कर लिया है। चलिए अब हम इन दोनों पाइप को फिट किए हुए किट में फिट करेंगे। पहले हमें इस लंबे पाइप को इस तरह इस किट में 24 नंबर के बोल्ट में फिट करना है। धीरे धीरे थ्रेड मैच करके हम उसे इस तरह लगाएंगे। उसके बाद ये छोटा पाइप सेम उसी टाइप में ऊपर से हमें इस तरह फिट करना है। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर में ये हाइड्रोलिक हल्का हीट फिटिंग किया। उसके बाद हमने ये दोनों पाइप इस किट में लगा दिए हैं। अब हम इन पाइप सेफ्टी के लिए ये स्पेशल पट्टी यानी सपोर्ट लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह एडजस्ट करके इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में हमें ये सपोर्ट पट्टी फिट करनी है। आप देख सकते हो हमने किस तरह ये सेफ्टी प्लेट भी लगा दी है। उसके बाद हमने ये 24 नंबर के दोनों गेंज बोल्ट फिट किए हैं। अब लास्ट में हम इस हल लीवर को इस तरह एक किट में फिटिंग करेंगे। ये लीवर इस तरह इन दोनों पिन में फिटिंग होगा और बाहर से उन्हें हमें क्वार्टर पिन लगानी होगी।
इस तरह ये वर्किंग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी ये फिटिंग पूरी हो चुकी है। अब ट्रैक्टर के साथ हल जोड़कर हम खेत में इस नए किट को ट्रायल करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने इस हाइड्रोलिक नांगर यानी हाइड्रोलिक हल की फिटिंग अब पूरी कर ली है। चलिए अब हम इसे ट्रायल करते हैं। पल्टी लगाइए। आप देख सकते हो किस तरह ये नांगर काम कर रहा है। आगे खेत में लीजिए। बहुत ही जोरदार तरीके से यह हल काम कर रहा है। आप देख सकते हो ना ही ट्रैक्टर में ज्यादा लोड आ रहा है और ना ही ट्रैक्टर दब रहा है। बहुत ही आसान और बढ़िया तकनीक से ये पॉपुलर नांगर अब चल रहा है। ओके, थैंक यू। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।